नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं स्टोरी पार्सल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए गुड न्यूज है। आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे BHOPG मॉपअप लास्ट जो एडमिशन का एक प्रोसेस है उसके रिजल्ट का, जिसकी काउंसलिंग ऑफलाइन हुई थी, यानी इसकी काउंसलिंग हम लोगों ने कैंपस में आके कराई थी। तो अब फाइनली नोटिस में ही बता दिया गया था कि उसका जो रिजल्ट है वो पहले डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पे आ जाएगा और उसके 2 दिन बाद फाइनली आपके पोर्टल पे विजिबल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 2 दिन वाली बात को हम लोग अभी से कंसिडर करेंगे, क्योंकि जब आपकी ये पूरी लिस्ट डिपार्टमेंट बना चुकी है तो ये किसको भेजेगी? CAC को। और CAC किसको भेजेगा? सामर्थ को, यानी कि जहां से आपको पोर्टल पे आपके विजुअलाइज किया जाएगा फाइनल आपका कोर्स अलोकेशन। तो जो बच्चे भी इस मॉपअप राउंड में फाइनली आके अपना ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग में भाग लिए थे, वो अब क्या कर सकते हैं? वो सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है? ध्यान देना, टेलीग्राम का लिंक है, क्योंकि मेरे पास लगभग 7-8 डिपार्टमेंट का लिस्ट है अभी ऑफिशियल उनके नोटिस बोर्ड से जो कि लिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी बेचैन होंगे कि सर हाँ मुझे पता चल जाए मेरा आया नहीं, मेरा नहीं है क्या वगैरह। तो आप लोग जाओ उस ग्रुप को ज्वाइन करो, उसमें मैं थोड़ी देर में अभी डाल दे रहा हूँ पूरा लिस्ट, आप वहां से डाउनलोड करके अपना नाम चेक कर सकते हो। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आपने अंतिम समय तक अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखा, आपके अंदर वो चाहत है, यही चाहत आपको और आगे ले जाएगा। और अपनी कमियों को पहचानो और कोशिश करो कि आने वाला 2025 का जो सेशन है, 2025 का जो सेशन है वो आपसे नहीं चूकना चाहिए। अगर आप अपना भविष्य बनाना चाहते हो, मास्टर्स करना चाहते हो, आगे रिसर्च करना चाहते हो, UPSC करना चाहते हो, वट एवर, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग अभी से फिर से लग जाए। हमारे यहाँ कोर्सेज स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही नॉमिनल, मतलब फीस आप यूँ समझ लो कि पूरे लोग बस आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं, फीस बाकी कोचिंग कंपैरिजन में काफी कम है, क्योंकि हम सभी लोग पढ़ रहे हैं साथ में, पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए खुद अपने आप में एक लर्निंग होता है, साथ में पढ़ो पढ़ाओ। हमारे यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, इस बार होम साइंस में 100% सिलेक्शन है, यानी आरजी मैम ने होम साइंस में पूरा सिलेक्शन कराया है। बाकी तिवारी जी के सिलेक्शन बहुत अच्छे हैं, और हिंदी में हमारे मानस सर के भी सिलेक्शन बहुत अच्छे हैं, हिस्ट्री में सिलेक्शन रहा है। तो हर एक बैचेस से बच्चे जो है वो निकल के BHU के FMC DU के कई सारे कॉलेजेस और एफिलेटेड के कई सारे कॉलेजेस में एडमिशन ले चुका है। कुछ ही दिन में उनके बैनर्स पोस्टर भी कम्युनिटी में चला जाएगा। हम लोग काउंसलिंग में बहुत बिजी थे इसीलिए एडवर्टाइजमेंट को उतना ध्यान नहीं दिए। बेसिकली यही है कि हम लोग आपके लिए कितना कुछ कर सके इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। पूरी कोशिश है कि 25 में और अच्छी प्रिपरेशन करा के आपके मनचाहे विश्वविद्यालय में एडमिशन करने में हम लोग का सहयोग रहे। ध्यान देना कि ये लिस्ट जो आज आई है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है CUT हेल्प टेक्स्ट करके, उसमें चला जाएगा। आप लोग जाइए और वहां अपनी लिस्ट डाउनलोड करिए, अपना नाम चेक करिए। बच्चे बहुत ज्यादा बेचैन हो जाएंगे जब उनका लिस्ट उनको नहीं मिलेगा पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट का। तो ध्यान देना, कल तक बाकी डिपार्टमेंट की लिस्ट भी अरेंज करके मैं डाल दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस डिपार्टमेंट का वहां नहीं विजिबल हो पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो आप सभी लोग अपने पोर्टल को भी चेक करते रहें, जिनका नाम है वो भी, जिनका नाम नहीं है वो भी, एटलीस्ट 2 डेज तक अपने पोर्टल को चेक करें, क्योंकि जो आपका रिजल्ट है वो उसी पोर्टल पे आएगा जहां से आपने अपना फॉर्म भरा हुआ था। वो कैसे कैसे नजर आएगा वहां पे? वहां पे जब आप ओपन करते हो तो एक कोर्स अलोकेशन करके वहां पे ऐसे ब्रैकेट बना होगा, एक बॉक्स बन जाएगा, उस पर क्लिक करते ही सीरियल नंबर, कोर्स, कितनी फीस है, ऐसे कुछ करके आ जाएगा और इमिडिएटली आपको पेमेंट करना है। वैसे तो वहां पर 48 घंटे का समय दिया जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि 12 घंटे के अंदर अपना पेमेंट करके लंबी सांस ले लीजिएगा और बोलिएगा हर हर महादेव। तो फाइनली काशी विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन भी बहुत ही अच्छा है। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना जो भविष्य है वो अच्छा बनाएं, अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के विकास के लिए मेहनत करें और आगे बढ़ें। आपका आने वाला भविष्य स्वर्णिम हो, खुशहाल हो, आपके पूरे मेहनत का उसमें जो जो परिश्रम है वो नजर आना चाहिए। क्योंकि अपने खुद के मेहनत से कुछ बनाते हो आप, तो उसकी जो प्रसन्नता है, जो हैप्पीनेस है, वो अलग ही लेवल की होती है। और आप बिल्कुल निराश नहीं होना है, जो भी इस चूक जा रहे हैं, जो भी किसी कारण से नहीं एडमिशन ले पाए, प्लीज निराश मत होना। मैं आने वाले समय में मुश्किल से 5 डेज में मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर दूंगा कि फाइनली अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो अभी हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं आगे करियर के लिए। उन वीडियोज को आप जरूर देखिएगा, शायद आपको कुछ नई लाइफ लिविंग मिल जाए, कुछ अच्छे नए करियर अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगे, कुछ और भी आपके अवसर नजर आ जाए, तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा आफ्टर द यूनिवर्सिटी। और आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिला तो क्या करें, तो प्लीज
इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और जो डिस्क्रिप्शन में लिस्ट है वो भी अपने दोस्तों को शेयर कर दो, उसको बेसिकली ज्वाइन कर लो। मुस्कुराते बहुत सी शुभकामनाएं, मिलते हैं वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक टू शेयर सब्सक्राइब दिस लाइक दिस वीडियो। किसी को कोर्स ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हो। बाकी के डिटेलिंग आपको खुद कॉल बैक जाएगा, वहां पर डिस्कस हो जाएगा। हर हर महादेव।